आज का जनरेशन डोंट हायर जेन जी, दे डोंट नो व्हाट वर्क एक्चुअली मींस. जेन जी प्राइमरली अ वे मोर सेक्सुअली एक्टिव. Now, of course, we hear a lot about the anxiety of Gen Z these days. In fact, The Hill just reported this month that Gen Z is the most anxious generation in history. Gen Z students are lazy, less motivated, only interested in themselves, and need to socialize more, that they're consumed by their phones. That this young generation seems less capable to deal with stress than previous generations, that is true. They are good at curating, you know, they've grown up in an Instagram, Facebook, you know, TikTok world where I'm really good at showing you the life I want you to think that I lead. And so they're really good at presenting a confidence that they don't have. हर कोई Gen Z के बारे में अपने एक्सपर्ट ओपिनियन दे रहा है. सबसे बकवास जनरेशन है, पूरा दिन सोशल मीडिया में घुसे रहते हैं. इरेस्पॉन्सिबल और इमैच्योर का टैग भी दिया जाता है इस जनरेशन को. तो मैंने भी सोचा थोड़ा रोशनी डाल लेता हूँ इस जनरेशन के ऊपर. कौन है ये Gen Z, क्या करते है, कहाँ रहते हैं, साइकोलॉजी को समझेंगे. आखिर लोग क्यों इस जनरेशन को खराब बोलते हैं, क्या सही में ये जनरेशन इतना खराब है. डिस्कस करूंगा इसी वीडियो में ये Gen Z या जनरेशन Z कौन है, जिसका भी 1996 से 2010 के बीच में हुआ है, इसे Gen Z कहा जाता है. थोड़ा पीछे आते हैं, 1901 से 1924 के बीच पैदा होने वाले जनरेशन को कहा जाता है द ग्रेटेस्ट जनरेशन. WW1 मतलब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ था, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी थे. द ग्रेट डिप्रेशन और इकोनॉमिक हार्डशिप को सरवाइव किया ये जनरेशन. फिर वर्ल्ड वॉर 2 आया, इसमें भी शामिल होना पड़ा. तो बहुत ही डिफिकल्ट टाइम से गुजरे थे ये जनरेशन, तो इसीलिए इसको द ग्रेटेस्ट जनरेशन भी कहा जाता है. फिर आए 1925 से 1945 के बीच पैदा होने वाले जनरेशन, द साइलेंट जनरेशन. ये जनरेशन वर्ल्ड वॉर 2 के लड़ाई के लिए काफी यंग थे, तो लड़ाई नहीं लड़ पाए, लेकिन इसके इम्पैक्ट को झेलना पड़ा. इनका बचपन द ग्रेट डिप्रेशन के टेल एंड से होकर गुजरा, जिससे इन्होंने फ्रुगालिटी और रेजिलियंस सीखा, सिविल राइट्स मूवमेंट के अर्ली स्टेजेस को देखा और कुछ केसेस में पार्टिसिपेट भी. रेडियो के गोल्डन एज और टेलीविजन के राइज को भी एक्सपीरियंस किया. 1946 से लेके 1964 के बीच पैदा होने वाले जनरेशन को द बेबी बूमर कहा जाता है. वर्ल्ड वॉर के वजह से पॉपुलेशन काफी हद तक घट गया था, तो ये जनरेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके पॉपुलेशन को बढ़ाने का काम किया, इकोनॉमिक ग्रोथ देखा. न्यूक्लियर फैमिली के कॉन्सेप्ट भी इसी जनरेशन में पॉपुलर होने लगा. 1965 से 1980 के बीच पैदा होने वाले जनरेशन को जनरेशन एक्स कहा जाता है. इस जनरेशन में लोग ज्यादा इंडिपेंडेंट होने लगे. हिप हॉप म्यूजिक भी पॉपुलर हुआ था इसी जनरेशन में. टेलीविजन में कुछ अच्छे मूवीज भी आने लगे, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज बने. साइंस और टेक्नोलॉजी में भी लोग इंटरेस्ट दिखाने लगे. 1981 से लेकर 1995 के बीच पैदा होने वाले जनरेशन को कहा जाता है जनरेशन वाई या मिलेनियल. मैं भी इसी जनरेशन से बिलोंग करता हूँ. लोग हमें 90s किड भी बोलते हैं. इसी जनरेशन के पास पहली बार मोबाइल फोन और इंटरनेट आया. फिर आते हैं Gen Z, 1996 से 2010 के बीच पैदा होने वाले जनरेशन. सोशल मीडिया और इंटरनेट के बिना ये जनरेशन शायद एक दिन भी स्पेंड नहीं कर पाते. अभी 2010 के बाद के जनरेशन को कहा जाता है जेन अल्फा. ये जनरेशन पैदा होते हैं एक हाथ में स्मार्टफोन लेके और उसमें रहता है इंटरनेट. इंटरनेट से क्या चलाता है, सोशल मीडिया और AI. और ये जनरेशन दिमाग भी नहीं चलाता, दिमाग चलाने का काम AI कर लेता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. तो डिफरेंट जनरेशन के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया हो गया. अभी आते हैं Gen Z में. यूनाइटेड नेशन के डेटा अनुसार टोटल ग्लोबल पॉपुलेशन के 32% Gen Z है, जो लार्जेस्ट भी है. तो कह सकते हैं ये जनरेशन दुनिया का फ्यूचर भी है. इस जनरेशन के पास हर फैसिलिटीज है, इलेक्ट्रिसिटी, AC, मोबाइल फोन, इंटरनेट. ये सब बिना इस जनरेशन को एक दिन भी गुजारना मुश्किल है. शॉपिंग ऑनलाइन हो जाती है, भूख लगी है जोमैटो कर लो, खाना घर में आ जाती है. इवन ग्रोसरीज और वेजिटेबल्स भी ऑर्डर करने पे तुरंत घर में आ जाते हैं. तो कोई भी चीज के लिए इस जनरेशन को हार्ड वर्क नहीं करना पड़ता, पैसा है तो हाथ में सब कुछ. आज के डेट में 4.9 बिलियन लोग एक्टिव इंटरनेट यूजर्स है, उसमें से 74% आर Gen Z. 95% टीनेजर्स के पास स्मार्टफोन है, उसमें से 45% टीनेजर्स हर वक्त ऑनलाइन रहते हैं. फेसबुक या इंस्टाग्राम आया था लोगों को कनेक्टेड रखने के लिए, लेकिन आज के डेट में सोशल मीडिया के वजह से लोग एक दूसरे से आइसोलेटेड हो रहे हैं. ये जनरेशन एक साथ बैठते तो है, लेकिन एक दूसरे से बात नहीं करते.
अपने अपने स्मार्टफोन में घुसे रहते हैं, मोमेंट्स को एंजॉय नहीं करते। फोटोज खींचना ज्यादा जरूरी है इस जनरेशन के लिए। सोशलाइज होने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है सोशल मीडिया में शो ऑफ करना। डिनर टेबल में बैठ के भी इनको मूवीज या सीरीज देखना होता है। यही सब चीजों की वजह से ये जनरेशन एक दूसरे के साथ जेन्युइन कनेक्शन बिल्ड नहीं कर पाते। रिसर्च में भी देखा गया है 6 टीनेजर्स में से एक टीनेजर डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार बनते हैं, और ज्यादातर जेंजी लोनली भी फील करते हैं। लोनली से याद आया, आजकल डेटिंग भी कितना इजी हो गया ना। ये जनरेशन सिर्फ प्यार ही नहीं करते, साथ में सिचुएशनशिप, फ्रेंड्स विद बेनिफिट, ब्रेड क्रम्बिंग, बेंचिंग और मन भर जाए तो घोस्टिंग भी कर देते। पहले तो राइट स्वाइप लेफ्ट स्वाइप कर लो, पसंद आए तो सेक्स ऑफ करो, फिर सोचना रिलेशनशिप में जाना है या नहीं। सभी के पास ऑप्शंस इतने हैं कि पेशेंस और टॉलरेंस तो एकदम खत्म हो गया। कोई भी चीज अगर इधर से उधर हो जाए तो इस ऑप्शन को छोड़ के दूसरे ऑप्शन के पास चले जाते हैं, थैंक्स टू दोस डेटिंग एप्स, सोशल मीडिया एंड द इंटरनेट। आजकल वैसे इंटरनेट पे शॉर्ट फॉर्म कंटेंट इतना ज्यादा पॉपुलर क्यों हो रहा है? क्योंकि इस जनरेशन के पास ना ही पेशेंस है, अटेंशन स्पैन भी इतना कम हो गया कि इनको इंस्टेंट डोपामिन शॉर्ट्स चाहिए। तो इस जनरेशन में नॉलेज तो सभी के पास है, लेकिन छोटे छोटे रील्स और शॉर्ट्स के फॉर्म में, कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इन डेप्थ नॉलेज नहीं रखते, क्योंकि ये जनरेशन बुक्स पढ़ने में बिलीव नहीं करते। मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, ज्यादातर जेंजी। फिर आते इन्फ्लुएंसर्स का इन्फ्लुएंस। इस जनरेशन के ज्यादातर टीनेजर्स इन्फ्लुएंसर्स को देख के अपना डिसीजन लेते हैं। सोशल मीडिया पे देखते बड़े बड़े लग्जूरियस कार्स, स्पोर्ट्स बाइक्स, एक्सपेंसिव गैजेट्स, जिसे देख के एक बार मन तो करता है लेने का। फिर आते कुछ और इन्फ्लुएंसर्स जो समझाते हैं इंस्टेंट अमीर कैसे बनते, तो कोई और बताते हैं ऑनलाइन पैसे कैसे कमाए, साथ में 50 करियर का ऑप्शन देते, ऑनलाइन जुआ खेलना सिखाते। तो इससे इस जनरेशन के लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, चाहिए वो कार, वो गैजेट जल्द से जल्द, और पैसे कमाने का तरीका हजार। तो जब तक वो डिजायर्ड चीज नहीं मिलता, तब तक वो अलग अलग तरीका ट्राई करता रहता है। शायद इसीलिए लोग कहते हैं इस जनरेशन को पता ही नहीं है इसको लाइफ में क्या करना है, हमेशा अपने लाइफ और करियर को लेके कंफ्यूज रहते हैं। ये मैं नहीं, लोगों का कहना है। इंटरनेट आ गया, सोशल मीडिया आ गया, डेटिंग ऐप भी आ गया, साथ में आया गेमिंग। घर में मस्त बैठे और दिन रात गेम खेलते रहो। पिछले जेनरेशन एंटरटेनमेंट के लिए बाहर जाते थे, स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होते थे, लेकिन जेन जी अपने कंप्यूटर और फोन को लेके काफी खुश है, फिजिकल एक्टिविटीज जीरो। तो ये जेनरेशन फिजिकली भी काफी वीक है, साथ में फास्ट फूड, सोने उठने का भी टाइम कोई सब गड़बड़ है, और जो हेल्थ इश्यूज 40s 50s में दिखता था अभी टीनेजर्स में दिख रहे हैं। तो क्या ये जनरेशन एकदम यूजलेस है, इतना खराब है? जी नहीं। अभी चीजों को थोड़ा दूसरे एंगल से देखेंगे। एक बात हम सभी को समझना होगा, दुनिया बदल रहा है तो इंसान तो बदलेंगे ही, नहीं तो इस बदलते दुनिया में वो पीछे रह जाएंगे। पहले एंटरटेनमेंट के नाम पे फिजिकल एक्टिविटीज था, इसी से उनको डोपामिन मिलता था। बाद में रेडियो आया, टेलीविजन आया, और आज के जनरेशन में इतना कुछ, ज्यादातर एंटरटेनमेंट और काम वर्चुअली हो जाता है। जेंस भी अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपने आप को एंटरटेन करते हैं। ये तो टेक्नोलॉजी के साथ चेंज होना ही था, और ये सब सोशल मीडिया के एल्गोरिथम ऐसा ही है, आपको एडिक्टिव बना देता है, वो जेंजी हो या मिलेनियल फर्क नहीं पड़ता। और ये सोशल मीडिया कौन चलाते हैं? मार्क जुकरबर्ग, जो खुद एक मिलेनियल है, सुंदर पिचाई जेन एक्स है, एलन मस्क जेन एक्स। तो जनरेशन को खराब कौन कर रहा है, जेंजी या ये लोग? आप ही बताओ। पहले कितने सारे प्लेग्राउंड्स थे, आज कितने हैं? सभी तो प्रोफेशनल क्रिकेटर या फुटबॉलर्स नहीं बनेगा, शौक के लिए भी कोई प्लेग्राउंड जाना चाहता है? है ही नहीं, तो जाएगा कहाँ? एक टर्म है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। दुनिया के साथ नहीं चलोगे तो ट्रेंड से बाहर। अगर कोई भेड़ चाल में नहीं चलता तो वो वैसे भी लोनली हो ही जाता है। तो ये जनरेशन क्या करे? डेटिंग, सिचुएशनशिप, हुकअप्स, बेंचिंग, ये सब हो रहा है। आजकल सोशल मीडिया और डेटिंग ऐप का एक्सपोजर इतना ज्यादा होने की वजह से ये सब हो रहा है। दुनिया इवॉल्व हो रहा है, साथ में जनरेशन भी। इसमें जेन ज़ी की कोई गलती नहीं है। पुराने जनरेशन में रिलेशनशिप का मीनिंग थोड़ा अलग था, आज कुछ अलग है। जेन ज़ी हर चीजों को लेके ज्यादा ओपन माइंडेड है, इवन अपने वर्क कल्चर को लेके भी। पहले लोग टेक्नोलॉजी को दुश्मन समझते थे, फिर धीरे धीरे लोगों को समझ में आया आगे बढ़ना है तो टेक्नोलॉजी को अपनाना पड़ेगा। अभी वर्क कल्चर भी चेंज हो गया, ज्यादातर काम ऑनलाइन हो जाता है, करियर में भी फ्लेक्सिबिलिटीज है, लोग अपने पैशन को फॉलो कर सकता है। अगर किसी भी फील्ड में तुम अच्छे हो तो उस फील्ड में करियर बना सकते हो। अभी तो AI भी आ गया, जेन अल्फा AI के साथ बड़ा होगा, सब
सब कुछ बदल जाएगा। तो अभी AI भी सीख लो, नहीं तो सरवाइव करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो जनरेशन में कोई खराबी नहीं है, दुनिया चेंज हो रहा है बस। जितनी जल्दी दुनिया और टेक्नोलॉजी चेंज होगी, जनरेशन को भी चेंज होना पड़ेगा और सभी चीजों को एडेप्ट करना पड़ेगा। एक ही एडवाइस, आंख कान खुला रखो और अपने गोल पे कॉन्सेंट्रेट करो, बस बाकी सब कूल है। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए लाइक सब्सक्राइब कर लेना।